दोस्तों एक जरूरी टॉपिक के उपर अज गल करन जा रहे हैं। टॉपिक असिनीबॉइन कम्यूनिटी कॉलेज का जो विनीपेग कैंपस है उसनों लेके है। बहुत सारे बच्चों के बीच इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन रहती है भी जो असिनीबॉइन कम्यूनिटी कॉलेज का विनीपेग कैंपस है क्योंकि वो रॉबर्टसन कॉलेज के नाल पार्टनरशिप हुई है, कितने ना कितने जो फस्ट ऑफर है वो रॉबर्टसन कॉलेज वालों आता, उस दे विच उन्हां नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। की इस दे पिछे की सच्चाई है उसके बारे गल करांगे। उस तो पहला जिहड़ी गल करते हैं आफ्टर बैचलर विनीपेग दे विच अगर तुसी स्टडी करनी है तां तुहाडे लई की ऑप्शनस ने। गल करिए स्टूडेंट वीज़ा की, स्टूडेंट वीज़ा के उपर अगर बच्चों का जिहड़ा मेन फोकस है स्टूडेंट का कितना ना कितने जिहड़ी परमानेंट रेजिडेंसी भी रहिंदी है, स्टूडेंट जाके स्टडी करना चाहते हैं बट उस तो बाद कितना कितने जल्दी वह कैनेडा दे विच सैटल होना चाहते हैं। सो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट वे देखते हैं सब तो सौखा वे की है तो कितना कितने जाके उन्हों को ऑप्शन आती है भी वह प्रोविंस वो सिटी चूज करो जिथे जिहड़ी हैगी है पी आर दे प्रोग्राम थोड़े ईजी हो, थोड़ा रिलैक्स हो। सो गल करिए एंटेरियो बी सी एंड क्यूबेक की, ये तीन प्रोविंस ने जिथे प्रोविंशल का अपना कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई PNP प्रोग्राम नहीं चलता, अगर चल भी रहा तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। सो कितना कितने स्टूडेंट जिहड़े कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या एक्सप्रेस एंट्री के एलिजिबल होंगे उहदे विच थोड़ा जिहा जिहड़े PR हासिल करन दे विच डे बाय डे प्रोग्राम टफ हुंदा जांदा, बाकी जो प्रोग्राम वो डिपेंड करता नंबर ऑफ एप्लीकेशन दे विच, कितना कितने बच्चों नूं प्रॉब्लम उस चीज़ के आती है। सो उन्हां कोल लै दे के रस्ता की बचता वो चीज़ वो जगह चूज़ करो जिसते जाके उन्होंने PNP पै सके, प्रोविंस का जो प्रोग्राम है PR का वह होल्दी जो PR का राह वो सौखा हो जल्दी मिलने वाला हो। सो उस दे विच अगर गल करिए सब तो बढ़िया प्रोग्राम है मैनीटोबा प्रोविंशियन नॉमनी प्रोग्राम MPNP मैनीटोबा प्रोविंस है विनीपेग सिटी। सो विनीपेग दे विच अगर गल करिए MITT रेड रिवर कॉलेज यूनीवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा यूनीवर्सिटी ऑफ विनीपेग एंड असिनीबॉइन कम्यूनिटी कॉलेज जो ब्रैंडन कैंपस है पहला यह मेन ऑप्शन सन। सो इन्हां दे विच जिहड़ी पोस्ट ग्रैजुएट की जिहड़ी ऑप्शन है बहुत घट है, एडवांस डिप्लोमा रेड रिवर कॉलेज के रेड रिवर के सीट्स का पता भी बहुत जल्दी फुल होंगे, बाकी जिहड़ियां सितंबर 2024 तक भी जिहड़े इनटेक है वो फुल ने। उस तो बाद MITT के जिहड़े बहुत लिमिटेड जे कोर्स ने सेम यूनीवर्सिटी ऑफ विनीपेग के ऑप्शन आती है यूनीवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा। यूनीवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा बहुत बेस्ट ऑप्शन सी आफ्टर बैचलर जाने के लिए बट कोविड तो बाद यूनीवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा की प्रॉब्लम आई, उन्होंने एप्लीकेशन नूं डैफर करना बंद कर दिता। किसी बच्चे का ऑफर यूनीवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा च आया, बच्चे का सितंबर इनटेक है बट हजे तक डिसीजन नहीं आया, जां रिफ्यूजल आ गई दोबारा रीअप्लाई करता बट उस तो बाद स्टूडेंट नूं जिहड़ा कॉलेज आ डैफर नहीं प्रोवाइड करवा रहा, कॉलेज ऑप्शन दे रहा अदर तुसीं ऑनलाइन क्लासां स्टार्ट कर सकते हो अदरवाइज तुसीं रिफंड पाओ। सो कितना कितने बच्चे बहुत प्रॉब्लम दे विच रहिंदे सी। उस तो बाद जिहड़ा एक नवा कॉलेज जिहड़ा ध्यान दे विच आया असिनीबॉइन कम्यूनिटी कॉलेज जो कि ब्रैंडन दे विच आ, उन्होंने रॉबर्टसन कॉलेज जो कि विनीपेग दे विच आ उहदे नाल पार्टनरशिप की। सो पार्टनरशिप की हुई, स्टूडेंट असिनीबॉइन कम्यूनिटी कॉलेज हो गए बट उन्होंने क्लासेस जिहड़ियां हैगियां रॉबर्टसन कॉलेज दे विच होणगियां। सो ये कोई नवी गल भी नहीं है, पहला अगर आप गल करिए लैम्पटन कॉलेज की, गल करिए लॉलिस्ट कॉलेज की, गल करिए नियागरा की, सेंट लॉरेंस, सेंट क्लेयर, काफ़ी कॉलेजेस हैं जेडे मेन सिटी तो उन्होंने मेन कैंपस आ जोड़े मेन सिटी तो काफ़ी दूर ने। लैम्पटन कॉलेज का जोड़ा मेन कैंपस है वो सारनिया के है बट मिसिसागा टोरंटो के जोड़े दो उन्होंने कॉलेज हैं वो उतों के प्राइवेट कॉलेज सन। लैम्पटन कॉलेज ने उन्होंने नाल एक पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया, स्टूडेंट लैम्पटन के होंगे बट क्लासेस जो प्राइवेट कॉलेज जो कि क्वींस कॉलेज है उस लगनी है। फिर उस तो बाद सेंट लॉरेंस कॉलेज अल्फा इंटरनेशनल अकैडमी, सेंट लॉरेंस का जोड़ा मेन कॉलेज है वो किंगस्टन के है, अल्फा इंटरनेशनल अकैडमी एक लोकल टोरंटो या ब्रैम्पटन के कॉलेज है, सेंट लॉरेंस ने उस कॉलेज ने पार्टनरशिप की, स्टूडेंट सेंट लॉरेंस के होंगे DLI सेंट लॉरेंस का होगा बट क्लासेस वो अल्फा इंटरनेशनल अकैडमी बनाएंगे। सो इदां दीआं बड़ियां एग्जाम्पल हैं। सेम प्रोग्राम जोड़ा हैगा वो असिनीबॉइन कम्यूनिटी कॉलेज ने रॉबर्टसन कॉलेज के नाल, स्टूडेंट असिनीबॉइन कम्यूनिटी कॉलेज का ही होगा बट वह क्लासेस रॉबर्टसन के लाऊ, तो बहुत बढ़िया पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमे की जी ऑप्शन है उस कॉलेज हैगी है, चाहे वह HR लैके हो, चाहे फाइनेंस लैके हो, चाहे मार्केटिंग लैके हो, हूँ एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अंडर ग्रैजुएट प्रोग्राम भी उन्होंने जोड़ा नवा वो शुरू कर दिता है। सो जदों बच्चों की एप्लीकेशन जाती है फस्ट ऑफर आता
ਤਾਂ ਆਫਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਰਟਸਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬਰਟਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ $250 ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ $275 ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੋਬਰਟਸਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ $2000 ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਬਰਟਸਨ ਕਾਲਜ ਉਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਨੀ ਬਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ LOA ਆ ਉਹ ਸਿੰਨੀ ਬਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਨੀ ਬਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਟ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਬਰਟਸਨ ਕਾਲਜ ਜੋ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ACC ਦਾ ਰੋਬਰਟਸਨ ਕੈਂਪਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਬੈਚਲਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੰਨੀ ਬਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜੋ ਰੋਬਰਟਸਨ ਕੈਂਪਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਧੰਨਵਾਦ।